हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर हमें ओरिजिन पोल मिलता है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है -20 n log ओमेगा, और जो स्लोप होता है वो होता है -20 n dB/dK, और जो फेस होता है वो होता है -n(π/2). सिमिलरली अगर हमें ओरिजिन ज़ीरो मिलता है, 0 at origin, तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 20 n log ओमेगा, और जो स्लोप होता है वो होता है +20 n dB/dK, और जो फेस होता है वो होता है +n(π/2). जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इनिशियल स्लोप होती है वो हमेशा एसोसिएटेड होती है पोल्स के साथ और ज़ीरोज़ के साथ, और वो जो पोल्स और जो ज़ीरोज़ है वो ओरिजिन पर लाया करना चाहिए। मतलब जो इनिशियल स्लोप है वो एसोसिएटेड होती है ओरिजिन पोल के साथ और ओरिजिन ज़ीरोज़ के साथ। अगर हमें ओरिजिन पोल और ओरिजिन ज़ीरोज़ मिलते तो उस केस में हमें मिलेंगी इनिशियल स्लोप। इनिशियल स्लोप विल बी ज़ीरो इफ़ देयर इज़ नो ओरिजिन पोल एंड ज़ीरोज़। इनिशियल स्लोप विल बी ज़ीरो इफ़ देर इज़ नो पोल एंड ज़ीरो एट दी ओरिजिन। जो इनिशियल स्लोप होगी वो होगी ज़ीरो अगर ओरिजिन पोल और ओरिजिन ज़ीरोस नहीं होते तो, और अगर ओरिजिन ज़ीरोस और ओरिजिन पोल अगर होते तो उस केस में हमें मिलेंगी इनिशियल स्लोप। तो अभी हम लोग डिस्कस ये करने वाले शिफ्टिंग ऑफ अ प्लॉट ड्यू टू स्टेडी स्टेट गेन और ड्यू टू द डीसी गेन। अगर सिस्टम में अगर स्टेडी स्टेट गेन होता है, या फिर बोल सकते हैं अगर सिस्टम में अगर डीसी गेन होता है, तो उस केस में जो प्लॉट होता है उसे हमें शिफ्ट करना होता है। तो जैसे कि हमने प्लॉट ड्रॉ किया था, हमने बोडे प्लॉट ड्रॉ किया था ओरिजिन पोल के लिए और ओरिजिन ज़ीरो के लिए। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट बेसिकली ड्रॉ किया है, यहाँ पर यह है मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट अगर हम लोग देखें, ये वाला जो पॉजिटिव एक्सिस से जो इनिशियल स्लोप जो स्टार्ट हो रही है वो किसके वजह से, ओरिजिन पोल के वजह से, और यहाँ पर ये जो नेगेटिव एक्सिस से जो स्लोप जो स्टार्ट हो रही है वो किसके वजह से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन ज़ीरो के वजह से। यहाँ पर हमने कंसिडर किया था मैग्नीट्यूड था 20 dB। 20 dB क्यों था, क्योंकि एक ओरिजिन पोल था, हैंस जो स्लोप थी वो थी -20 dB/dK। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड है वो है 40 dB। 40 dB क्यों है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो ओरिजिन पोल है वो है 2, और हमें जो स्लोप जो मिल रही है वो मिल रही है -40 dB/dK। -40 dB/dK क्यों मिल रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो मैग्नीट्यूड की साइन और जो स्लोप की जो साइन होती है वो अपोजिट होती है। सिमिलरली अगर 3 पोल होता है ओरिजिन पर तो उस केस में हमें जो मैग्नीट्यूड मिलता है वो मिलता है 60 dB, और हमें जो स्लोप मिलता है वो मिलता है -60 dB/dK। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं जो साइन है वो है अपोजिट। सिमिलरली हमने डिस्कस किया था हमें ओरिजिन ज़ीरो मिलता है तो उस केस में हमें जो मैग्नीट्यूड जो मिलता है वो मिलता है -20 dB, और हमें जो स्लोप जो मिलती है वो मिलती है +20 dB/dK। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हमें ओरिजिन अगर हमें ओरिजिन पर अगर 2 पोल मिलता है तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है -40 dB, और ये जो स्लोप हमें जो मिलती है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, आप बेसिकली कर्सर की टिप को नोटिस किया करो, तो जो कर्सर की जो टिप हमें जो इंडिकेट कर रही है जो स्लोप है वो स्लोप जो होगी वो होगी +40 dB/dK। सिमिलरली अगर हमें 3 पोल मिलता है ओरिजिन पर तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा -60 dB, और अगर मैग्नीट्यूड अगर -60 dB होता है तो उस केस में जो स्लोप होगी जो कि ये वाली स्लोप होगी, तो जो स्लोप होगी वो होगी +60 dB/dK। तो यहाँ पर जो प्लॉट है उसे हमें शिफ्ट करना होता है अगर सिस्टम में स्टेडी स्टेट गेन अपीयर करता है तो, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 0, जिसके बारे में हमें पता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, अगर स्टेडी स्टेट गेन अगर सिस्टम में अगर अपीयर करता है तो जो प्लॉट होता है वो उसे हमें शिफ्ट करना होता है। तो हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे ये जो 20 dB का मैग्नीट्यूड और ये जो -20 dB/dK ये वाली जो स्लोप है उसको कंसिडर करते हुए हम लोग समझेंगे। तो जो हमारा जो प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ओरिजिन पर एक पोल है, एक वन ओरिजिन पोल का केस हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे, जिसके वजह से मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा 20 dB, और हमें जो स्लोप जो मिलेगी वो मिलेगी -20 dB/dK। तो हमें कुछ इस तरीके से हमें प्लॉट मिलेगा, प्लॉट हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। अभी होता क्या है, सिस्टम में डीसी गेन अपीयर करता है, या फिर बोल सकते हैं सिस्टम में स्टेडी स्टेट गेन अपीयर करता है। तो सिस्टम में अगर स्टेडी स्टेट गेन अपीयर करता है तो उस केस में जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, G(H)(S), और ये बराबर में होगा K/(S^n)। यहाँ पर ये जो K होता है वो हमें इंडिकेट करता है स्टेडी स्टेट गेन, या फिर बोल सकते हैं डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। जो K होता है वो होता है स्टेडी स्टेट गेन, या फिर बोल सकते हैं डीसी गेन ऑफ द सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ये जो पूरा जो सिस्टम है इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा G(H)(G)(K)/(G)^2n। तो अभी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा mod(GHG)((G))(20 log K। यहाँ पर ये है K, तो K के लिए 20 log, माइनस इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा ओमेगा एन, तो
तो हमें मिल जाएगा -20n log ओमेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कुछ इतना होगा, -20n log ओमेगा। अगर हम लोग स्लोप निकाले तो जो स्लोप होगी वो होगी -20n dB/dt, और जो एंगल होगा वो होगा -n(π/2). तो जो स्लोप है वो एक्जैक्टली बराबर में ओरिजिन पोल के, ओरिजिन पोल के केस में हमें जो स्लोप मिलती है वो मिलती है -20n dB/dt, और जो एंगल है वो भी एक्जैक्टली बराबर में ओरिजिन पोल के, ओरिजिन पोल के केस में हमें जो एंगल मिलता है, या फिर बोल सकते हैं ओरिजिन पोल के केस में हमें जो फेस मिलता है वो मिलता है -n(π/2). तो जो केसेस है यहाँ पर, अगर हम लोग देखें, अगर सिस्टम में स्टेडी स्टेट गेन अपीयर करता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, स्टेडी स्टेट गेन या फिर डीसी गेन अगर सिस्टम में अगर अपीयर करता है, तो उस केस में जो स्लोप और जो फेस होगा वो एग्जैक्टली बराबर में होगा ओरिजिन पोल के, मगर जो मैग्नीट्यूड होगा उसमें डिफरेंस होगा। मैग्नीट्यूड में ये एक एक्स्ट्रा टर्म अपीयर कर रहा है 20 लॉग के, और ये जो टर्म होगा यही हमें बताएगा कि जो प्लॉट होगा उसे हमें कितना शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं जो के की जो वैल्यू हमें दी गई है, हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो के की जो वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो के की वैल्यू हमें निकालनी होगी, मान लेते हैं जो के की वैल्यू अभी हमें जो दी गई है वो है 10। तो के की वैल्यू अगर 10 होती है तो एक के की जगह हम लोग पुट कर देंगे 10, तो हमें मिल जाएगा 20 log 10, और अगर हम लोग 20 log 10 कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा 20 dB माइनस ये वाला जो टर्म है वो एज इट इज़ होगा। ये वाला टर्म हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, -20n log ओमेगा। ये टर्म हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो टर्म है -20n log ओमेगा, ये हमें इंडिकेट कर रहा है ये वाला प्लॉट, ये वाला स्लोप हमें इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पूरा प्लॉट हमें इंडिकेट कर रहा है -20n log ओमेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर -20n log ओमेगा इसके साथ 20 dB अपीयर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमने जो प्लॉट जो ड्रॉ किया है, जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, जो पूरा प्लॉट हमने ड्रॉ किया है इसे हमें शिफ्ट करना होगा, और वो जो शिफ्टिंग का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 20 dB। तो जो प्लॉट होगा उसको हम लोग यहाँ से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो शिफ्टेड प्लॉट होगा वो हमें ये एरो की टिप इंडिकेट कर रही है, यह है शिफ्टेड प्लॉट। और जो शिफ्टिंग है प्लॉट का वो है 20 dB का, जो शिफ्टिंग है वो है 20 dB का, मैग्नीट्यूड ऐड हो गया 20 dB। तो जो प्लॉट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, और जो शिफ्टेड प्लॉट होगा वो होगा 20 dB का, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा या फिर जो शिफ्टिंग होगा प्लॉट का वो होगा 20 dB का। तो कुछ इस तरीके से जो प्लॉट होगा उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे अगर हमें स्टेडी स्टेट गेन सिस्टम में मिलता है तो।